को पहले से स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था. जो भी मैं स्पोर्ट्स खेल रहा था उसमें एक चीज वॉज वेरी क्लियर कि इफ यू कैन नॉट मेजर यू कैन नॉट इम्प्रूव. उसके लिए अभी एडवांस या बिगिनर के लिए कोई टेक ही नहीं है. एवरीवन इज ट्राइंग टू वर्क ऑन देयर स्ट्रेंथ्स एंड स्टैमिना ओनली. तो रिफ्लेक्स और एजिलिटी की कोई बात ही नहीं कर रहा था. तो इसको कैसे हम लोग इंटीग्रेट कर पाए स्पोर्ट्स में, उधर से आइडिया स्टार्ट हुआ था. हमने जब स्टार्ट किया प्रोडक्ट बिल्डअप करना, तब मैं और हिताथ थे दोनों एज ए टीम मेंबर ऑफ हाइपरलैब. तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस थे हमारे पास जो सॉल्व करना था. तो हिताथ के पास एक छोटा सा प्रोटोटाइप था विच वॉज वेरी कॉन्सेप्चुअल. मैंने फर्स्ट डे पे आके मैंने स्टार्ट किया कि इसको थोड़ा कॉम्पैक्ट बनाते हैं क्योंकि उससे हम ज़्यादा यूज़र रीच कर पाएंगे. हमने फर्स्ट प्रोटोटाइप बनाया हमारा जो पीवीसी पाइप से बना था और जिसके बहुत सारे वायर्स झूल रहे थे. जब मैंने दूसरे एथलीट और स्टूडेंट्स को उसके ऊपर ट्रेनिंग करते हुए देखा तब मेरे को लगा कि हाँ भाई इसका प्रोडक्ट का रेलेवेंट है. हमारा जो डिवाइस है वो एथलीट को पैरामीटर्स देता है जिसपे एथलीट्स खुद को देख सके कि मैं कितना कंसिस्टेंट हूँ, मेरा कितना रिफ्लेक्स है. हम डिटेल्ड एनालिसिस देते हैं जिससे वो खुद की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस देख पाए. मेसी और रोनाल्डो के पास टेक है अपना खुद का, पर वो एक्सेसिबल और अफोर्डेबल नहीं है. हमें वो टेक इतना जनरल और कॉमन बना देना है कि हर एक बच्चे के पास या हर एक इंसान जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है उसके पास वो डिवाइस हो. नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम हितार्थ परिक है. मेरा नाम साहिल पटेल है. और मेरा नाम हर्षित मालीवाल है और हम अहमदाबाद से हैं. हमारी आस्क है 10 लाख फॉर 1% ऑफ आवर कंपनीज इक्विटी. वाओ, ओके, ठीक है. शार्क्स स्पोर्ट्स एंड फिटनेस तीन चीजों का मिश्रण होता है. स्टैमिना यानी आंतरिक बल, एजिलिटी यानी स्फूर्ति और रिफ्लेक्स यानी मेरा रिएक्ट करने का टाइम. आज अगर मैं मार्केट देख रहा हूँ तो पूरा मार्केट स्टैमिना के प्रोडक्ट से फ्लडेड है, ट्रेडमिल से लेके रिकमेंड साइकिल से लेके वेट्स तक. बट अगर हम रिफ्लेक्स और एजिलिटी का देखें तो उधर प्रैक्टिस करने के लिए कुछ है ही नहीं. एंड यही मार्केट गैप को वैलिडेट करने के लिए और एक एथलीट को कंप्लीट सोल्यूशन देने के लिए हमने स्टार्ट किया था हाइपरलैब. हाइपरलैब एक स्पोर्टेक ब्रांड है जो डिजिटाइज्ड है, मींस वो कंबाइन करता है फिजिकल वर्ल्ड को वर्चुअल वर्ल्ड के साथ. और ये हमने अचीव किया है हमारे प्रोडक्ट हेलियोस से. तो हेलियोस प्लैनेट का सबसे पहला लेजर असिस्टिव ट्रेनिंग डिवाइस है जो अपने यूजर्स को ट्रेन भी करता है और उनको ट्रैक भी करता है. हेलियोस कोई भी स्पोर्ट्स या फिर कोई भी फिटनेस वर्कआउट के साथ चल सकता है, चाहे वो फुटबॉल में मेरा टैकल करना हो या फिर कबड्डी जो बहुत एजाइल स्पोर्ट्स है उसमें मेरा रेड करना हो या फिर कोई जिम लवर के लिए मेरे को हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करना हो. हेलियोस को बनाने में हमें 2 साल की कड़ी मेहनत, 600 से ज्यादा प्रोटोटाइप्स और 100 से ज्यादा यूजर टेस्टिंग लगे हैं. तो चलिए शार्क्स, मैं आपको हेलियोस का एक डेमो दे देता हूँ. ये डिवाइस है, ये पोर्टेबल और मोबाइल डिवाइस है. इसे कोई भी प्लेन सरफेस पे रख सकते हैं. ये पूरा डिवाइस एक ब्लूटूथ वाया मेरे एप्लीकेशन से कनेक्टेड है. ओके. इसके ऊपर एक बटन है, ये ब्लिंक करना चालू कर देता है, मतलब मैं अब ड्रिल स्टार्ट कर सकता हूँ. So I have to long press on that blinking inviting light. जैसे ही मैं long press करता हूँ, it starts. वो पहला point है. जैसे ही मैं इधर पहुँचा, it goes to the second point. इसको exactly पता है कि ये कितने distance पे इसने project किया है, कौन सी direction में ये project कर रहा है. और thirdly कि मेरा exact time of tapping that point क्या है. जैसे ही उसको ये 3 data मिलते हैं ना, उसके बाद वो फुल अपना एनालिसिस लगा के मेरा स्टैमिना, मेरा एजिलिटी, मेरा रिफ्लेक्स, मेरा डायरेक्शनल एनालिसिस, कंसिस्टेंसी सब बता देता है. मेरे को एक बात नहीं समझ में आ रही है, आप स्पोर्ट्स या हेल्थ टेक में हो और आप तीनों मतलब लग नहीं रहे हो मुझे कि रोज एक्सरसाइज करते हो या स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व. प्रोडक्ट बनाने में लगे हुए हैं. क्या उम्र क्या है आपकी? 22. और 22 साल में मतलब आउट क्या बात है यार, आधा घंटा वर्कआउट भी नहीं लगता है. सिर्फ एक चीज ऐसी थी कि बोल दूं. बोलना यार, बोलने तो जो आया. ऐसे बेस्ट जो अपना सलोन वाला है वो भी गंजा होता है. हाँ गंजा है, मतलब
तो सर इसलिए 2 साल लगे पर अब इतना फाड़ेंगे ना हम लोग सच्ची। ओके फिनिश योर डेमो। आज बैडमिंटन के एरिया में डेमो देंगे। तो सारी ड्रिल्स जो बनाई हुई है वो बैडमिंटन के लिए बनाई हुई है। फॉर दैट आई वुड लाइक टू कॉल निहाल ऑन स्टेज जो गुजरात को रिप्रेजेंट करता है। और वेरी नाइस। हाय शार्क्स। हेलो। हेलो। हाय निहाल। वेलकम टू शार्क टैंक ब्रो। थैंक यू। तो शार्क्स हम पहला मोड दिखा रहे जिसे हम कहते हैं पॉइंट बेस्ड मोड। तो जैसे ही निहाल पॉइंट रखता है उसके नेक्स्ट पॉइंट पे वो चला जाता है, थर्ड पॉइंट पे चला जाता है, फोर्थ पॉइंट। ये सारा एनालिसिस उसको पता चल रहा है कि वो कौन से डायरेक्शन में कितनी स्पीड से कर रहा है। एंड ये लाइव आपको सिर्फ हमें एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दिखा रहे, बट इन डेप्थ देखना है ना तो मेरे को जाना है अपने एनालिसिस में। वो मैं एथलीट में जाऊँगा, मैं निहाल को सिलेक्ट करूँगा, उसको मैं टैप करूंगा तो वो मेरे को बोलेगा कि ये मैप था। तो वो अगर पीछे आते वक्त कम कर रहा है और आगे जाते वक्त ज़्यादा कर रहा है तो इट शोज़ कि उसकी फ्रंटल स्पीड ज़्यादा थी। इसको अभी और इन डेप्थ देखना है तो हम जाएंगे ग्राफ्स में, एवरेज स्पीड से कितना डेविएट हुआ वो दिख जाता है। दूसरा मोड बेसिकली बफर मोड है जो हम रिफ्लेक्सेस के लिए बेसिकली करते हैं। बफर मोड में क्या होता है कि वो हर बार मेरे को 3 सेकंड का बफर पीरियड देता है सेंटर में। हर बार मैं सेंटर में आता हूँ और बाद में वो रैंडमली, मतलब डिवाइस को भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता, हमारे एप्लीकेशन को भी नहीं पता कि वो कहाँ प्रोजेक्ट कर रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। और बाद में पूरा जो उसका एनालिसिस है कि वो कौन सी डायरेक्शन में अच्छा कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन में बेकार कर रहा है, वो सब आ जाता है इसमें। थैंक यू सो मच निहाल फॉर डेमोंस्ट्रेटिंग टू ऑफ द मोड्स। थैंक यू शार्क। थैंक यू। जाने के वाले ये बताओ, आप जब कोचिंग लेते हो प्रोफेशनली, आप इतनी ड्रिल्स करते हो बिफोर गेम? यस सर, ऑफ कोर्स। आप कैसे जानते हो इनको? दे हैव कम इन आवर एकेडमी फर्स्ट, प्रोडक्ट बताई, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स से भी ट्राई किया एंड देन वी, हमको बहुत अच्छा लगा। कितने स्टूडेंट्स हैं आपकी एकेडमी? 22-25। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू शार्क। थैंक यू। तो डेमो हो गया और एक लास्ट मोड है, वो किलर मोड है हमारे लिए। अच्छा, किलर है तो बता दो। अमित, हमने आपको इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव देखा है स्पोर्ट्स और फिटनेस में, तो आप क्या वो ट्राई करना चाहोगे? आओ करते। डोंट फील ऑफेंडेड। यार वो क्या है? किलर मोड बेसिकली ये है कि वो आपको लर्न करता है। तो वो पहला जो आपको ड्रिल करना है ना वो बेस स्पीड पे करना है। अब हर बार वो नेक्स्ट टाइम आप करोगे ना उससे एक लेवल ऊपर ले जाएगा उसको, और आपका देखेगा कि कौन से इंटेंसिटी के बाद आप ड्रॉप होते हो। इनको खेल तो नहीं कर दोगे ना? मतलब आपने बोला ना किलर प्रोडक्ट, नहीं नहीं खेल का एकदम हाई इंटेंसिटी से शुरू करना। नहीं तो ये लर्न कर रहा है मेरी इंटेंसिटी से। नहीं नहीं यार, आप जानते नहीं हो, वो सॉलिड आदमी है, आप शुरू तो कर लीजिए। ठीक है सर। ओके इट्स ब्लिंकिंग, आर यू रेडी? ये आपको विजुअल फीडबैक दे रहा है कि आप कैसे वो पॉइंट पे जाना है। कबड़ी 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 कबड़ी। इसको ऑन रखो 10 मिनट। तो ये आपका पहला बेस स्पीड था, अभी आपको ये थोड़ा अपग्रेड करेगा। ब्रीद ब्रीद अमित ब्रीद। मेरे पहला स्लो करना चाहिए था। टाइमर बढ़ा दे। टाइमर खुद बढ़ जाएगा। ये आपने कर दिया है, दोनों कर दिया है। Well done, well done. Come on. Good sport. Good, 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 sport. Good. I hope you're speechless and won't ask questions. भाई यूनिट इकोनॉमिक्स नहीं पूछेगा आज। Have to catch my breath for sure. हाँ हाँ please. नहीं मशीन यहाँ दे दो ना, हम देख लेंगे। हाँ मशीन दे दीजिए। मैं तीनों मशीन्स दे देता हूँ और ये पूरा प्रोडक्ट इतना ही है। हाँ। ये सिर्फ एक स्टैंड है। हाँ ओके। मैं दूसरा प्रोडक्ट लेता हूँ। ओके ओके दैट्स सर। दिस इज़ द व्हाइट। ओके थैंक यू। एंड यू कैन डू दिस वॉल पे भी हैंड एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। हाँ इसको कहीं भी लगा सकते। वो उसका अंदर का मैकेनिज्म है। वी हैव पेटेंटेड इट इन इंडिया एंड इन यूएस बोथ। पेटेंट मिल गया? मिल गया।
शख्स मेरा इंटरेस्ट इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग में था. थर्ड ईयर हमारा इंटर्नशिप पीरियड होता है, तो मैं स्टूडियो कार्बन करके एक जगह इंटर्नशिप करने गया और उधर मैंने ये आइडिया दिया. ये आइडिया बेसिकली आया था मेरे को इस चीज से कि एक कैट थी. हमने सोचा कैट इतना क्यूरियस एनिमल है तो हम भी तो क्यूरियस है ना, तो फिर हम उसके पीछे क्यों नहीं भाग रहे. और तब से ये आइडिया आया. उसके बाद मैंने पहला प्रोटोटाइप बनाना ट्राई किया मेरे खुद से, पर वो नहीं हो रहा था. इसलिए आई कनेक्टेड टू चाहिल. कैसे, कहाँ था चाहिल? मैंने पहले भी एक प्रोडक्ट बनाने का ट्राई किया था जो एक कोई भी फॉसेट को ऑटोमेटिक फॉसेट बना देता है, तो पानी बहुत सारा बच सकता है. यू आर एन इन्वेंटर. पर उसमें एक चीज मिसिंग है जो है इलेक्ट्रॉनिक्स. तो मैंने इसको कनेक्ट किया था, पर इसने तब सीधा मुंह पे ना बोल दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है. उसके पास बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स आते थे और ये स्टार था. अच्छा. तो सेकेंड जब चालू किया तब स्टूडियो कार्बन का बैकिंग और चाहिल की इंटर्नशिप का टाइम दोनों मैच हो गए और मेरी भी इंटर्नशिप चल रही थी. मेरे को पहले से इंटरेस्ट था प्रोडक्ट डिजाइन में. मैंने आईटी किया है, पर आई आल्सो डू रोबोटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एज अ हॉबी. तो फिर इसने मेरे को प्रोजेक्ट पूरा पिच किया एंड देन वी स्टार्टेड इट एंड इट हैज बीन अ ग्रेट जर्नी आफ्टर दैट. आपकी उम्र कितनी है? 23. जैसे ही हमारा एक हार्डवेयर बन गया ना, हमें पता चला कि सॉफ्टवेयर तो अब चाहिए और तोड़ू चाहिए, और इसलिए हमने हर्षित की कॉलेज में मेल डाला था. विच कॉलेज? निर्मा यूनिवर्सिटी. अच्छा. और आपकी उम्र क्या है? 22. यार फिर भी ये बात सोचना है कि मैं, माय सिस्टर ना, उसके पास बिल्ली है तो मैं लेजर लेके बड़ा खेलता हूँ उसके साथ, वो झपटा मारती. लेकिन यार वहाँ से ये सोचना कि हम ह्यूमन बीइंग्स भी ये करेंगे, बिल्ली बना देंगे, मतलब बिल्ली बना देंगे, इट्स क्वाइट एन इमेजिनेशन. वैलिडेट किया है कोचेस के साथ ये प्रोडक्ट? हम साई के साथ और स्वर्णिम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के साथ काम करते हैं, और उधर के स्टूडेंट्स डिवाइस पे पीएचडी कर रहे हैं क्योंकि ऐसा डिवाइस अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता था. डिवाइस ऑलरेडी मार्केट में है? सितंबर में ही इसको आरएनडी फेज से बाहर निकले. सो व्हाट वी आर थिंकिंग इज टिल दिसंबर वी विल हैव मैन्युफैक्चरिंग सॉर्टेड और मार्च तक हमें लॉन्च करना. कितना प्राइस करेंगे इसे? इट इज 30,000 ओनली. आपका बायर इंडिविजुअल होगा कि एकेडमी होगा? जो जिम्स है जिसमें जुम्बा स्पेसेस होती है जिसमें ये डिवाइस डिप्लॉय हो सकता है उनके लिए वी आर सेलिंग इट, बट स्पोर्ट्स एकेडमी के पास एक साथ इतने पैसे नहीं होते. और अगर हमें स्पोर्ट्स टेक फॉर ऑल करना है ना तो उनको रीच तो करना ही है. तो उधर हमने सब्सक्रिप्शन मॉडल इंट्रोड्यूस किया है विच इज बेसिकली 2,000 पर मंथ पर डिवाइस. बट ये मार्केट थोड़ी लिमिटेड होगी क्योंकि एडवांस लेवल पे ही लोग खेलेंगे. हिट वर्कआउट फिटनेस रेजिमेन, वो जिम्स में भी लगेगा, स्पोर्ट्स में भी लगेगा, वो अगर मैं चाहूँ तो रिहैब में भी लगेगा और फिजियोथेरेपी में भी लगेगा. अगर मेरा पैर मूव नहीं कर रहा है तो वो धीरे 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 मेरे को डॉट्स देके एनालाइज कर सकता है. तो ये मार्केट पूरा इसकी एप्लीकेशन पे है, ये एक प्लेटफॉर्म बेस्ड प्रोडक्ट बन गया. आपके पास पेटेंट किस चीज का था? पेटेंट इसका टेक पेटेंट है हमारे पास. आपने कितने पैसे डाले हैं ये सब करने में अभी तक? 45 लाख का ग्रांट मिला है गवर्नमेंट से. यार ये गवर्नमेंट सबको ग्रांट देती है मेरे अलावा. एनीवे कंटिन्यू. और हमारे साथ नील मेहता करके है जो स्टूडियो कार्बन का सीईओ था, इसने 50 लाख इन्वेस्ट किए. 50 लाख एट व्हाट वैल्यूएशन? 10%. कब किया ये? सितंबर 22. और पैसे खत्म अभी? नहीं नहीं नहीं, अभी बैंक में 47 लाख है. और महीने का खर्चा कितना होगा? 4 लाख. और टीम कितनी बड़ी है? टीम 12 लोगों की. एक्विटी स्प्लिट क्या है? मेरा 70% है. और इनका? 2% एंड 1%. वाह, बहुत डिफरेंस है. बाकी 5% इज विद स्टूडियो कार्बन, 10% इज विद नील मेहता जिसने इनिशियल किए, 3% इज एडवाइजर में, एंड 10% इज ईसॉप. अच्छा, इसके बाद क्या करने का प्लान है? ये टेक्नोलॉजी जो है ना, ये स्केलेबल प्लेटफॉर्मेबल टेक्नोलॉजी है. तो अगर आज मेरे को साइना नेहवाल के साथ कम्पीट करना है ना, तो मेरे को बस उसकी एक वीडियो मेरे सॉफ्टवेयर में डालनी है और ये पूरा प्रोडक्ट उसको रेप्लिकेट करेगा कि वो कितने टाइम में कहाँ जाए, और स्पोर्ट्स टेक को हिलाना है. और भी है आपके पास आइडिया? और भी आइडियाज है. चल ठीक है, मैं ऑफर देता हूँ आपको. 22 साल में मुझे लाइफ में नहीं पता था मुझे करना क्या है, और आप लोग इतने सॉर्टेड लोग हो, तो 10 लाख रुपए 1% जितना आपने मांगा सेम. मैं आपको एक और ऑफर देती हूँ, 50 लाख रुपीज फॉर 5%, 20 लाख फॉर 1%. What? Which is double their valuation. I match Namita's offer and the other offer you have is 50 lakh for 5%.
बट आपने सुना है भगवान से जितना मांगो उतना मिल जाए, अच्छा है तो आपने 10 मांगे 1% पे दे दिए लोगों ने, और अब आप उससे ज्यादा क्यों मांग रहे हो? मैंने एक चीज और सुनी है कि भगवान मांगने से ज्यादा ही देखता है। छप्पड़ पाड़ गए। एक क्विक क्वेश्चन, आप मास मैन्युफैक्चर कैसे करेंगे? बिकॉज हमारे पैसे से तो आपका कुछ बनेगा नहीं। और रेस करना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन बॉस आपके पास है 40-45 लाख रुपीज अभी बैंक में, आप इतना टाइट चल रहे हो, बाय द वायर 4 लाख का बर्न है, मार्च तक आपके पैसे खत्म हो जाएंगे। और खत्म होने के पहले हमेशा आपके पास एटलीस्ट 6 मंथ रनवे होना चाहिए टू रेज मनी, व्हिच इज व्हाई यू शुड रेज मोर, व्हिच इज व्हाई यू शुड नॉट डाइल्यूट मोर एट दिस एक्विटी। मदद कर देंगे, वी विल कनेक्ट यू टू इन्वेस्टमेंट्स। थोड़ा सा ये बताओ डिस्ट्रीब्यूशन का क्या प्लान है, जैसे मार्च में तुम लॉन्च कर दोगे, क्या सोचा है, मतलब व्हाट्स द प्लान ऑफ एक्शन? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करना है, बट ग्लोबली ज्यादा स्केल हो सकता है ये हमें लग रहा है। एब्सोल्युटली राइट, तो इंडिया तो रखना ही है बट ग्लोबल फुल मचाना है। कौन आप में सेल्स संभालने वाला है, मतलब आप तीनों या किसी और को लेके आओगे? आप किसी और को भी लाना पड़ेगा, देखो बहुत टाइम लग रहा है, ऑफर्स जा सकती है, यहाँ ऑफर्स चले जाते हैं। आप प्रेशर में मत आना, ऐसे ऑफर नहीं जा सकती। ऐसे इन्वेस्टर्स चाहिए जो बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, या ऐसे इन्वेस्टर्स चाहिए जो आप में बिलीव करते हैं? आई थिंक यू नीड इन्वेस्टर्स हु कैन हेल्प यू। नेक्स्ट ईयर सेल्स कितना सोच रहे हो तुम लोग, कितना हो सकता है, कुछ सोचा है कभी? नेक्स्ट ईयर हमें 6 करोड़ का सेल करना है, 3000 प्रोडक्ट बेचने। मैन्युफैक्चरिंग इस कैपेसिटी की रेडी है या फिर अभी करनी है रेडी? इलेक्ट्रॉनिक्स वाइज इट इज फुल रेडी। व्हाट वाइज इट इज नॉट रेडी? इंजेक्शन मोल्डिंग, वो हमारा अभी तक, मतलब तीनों स्टूडेंट्स है, अभी तक वो एक्सपर्टीज नहीं आई। इतनी जल्दी हमें बिजनेस समझ आ गया, इतना टाइम हो गया, लोगों को समझ नहीं आ रहा, क्या कर रहे हैं? आप वो डिसीजन मेकर किन दोनों में से कोई है? हम तीनों करेंगे। सीईओ कौन है? सीईओ मैम। यार हितायत आप कैसे सीईओ, आपने जो मांगा था उसका 5 times मिल गया है सेम वैल्यूएशन पे। पता नहीं क्या कर रहे हो। मैं आपको 20 मिनट दूंगी टू आंसर द क्वेश्चन, आप पहले ऑफर एक्सेप्ट करो। इंट्रोड्यूस होते हैं भाई। नहीं, आई विल लेट यू ऑफर लेने के लिए तो सुन रहे हैं। वेल डन विनीता, वेल डन। आफ्टर एक्सेप्टिंग माय ऑफर आई विल स्टैंड देयर एंड आंसर हिज क्वेश्चंस। ठीक है, तो मेरा ऑफर जो आपने मांगा है 10 लाख 1%। टोटल कितना रेज करना है? 1.5 CR जितना रेज करना पड़ेगा इफ यू वांट टू गो फॉर मास मैन्युफैक्चरिंग। आप आगे सोच रहे हैं क्या करोगे, आप आज क्यों नहीं सॉल्व करते अपनी प्रॉब्लम? मैं आपको देता हूं 1 करोड़ रुपए, आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म फॉर 5% ऑफ योर कंपनी। भाई 5% व्हाई यू वांट टू डाइल्यूट विद हिम? आई विल रिवाइज माय ऑफर 25 lakhs 1%. And I'll help you in electronic manufacturing a lot. Hitarth, I match that. I also match that offer as an option. And the other option is 50 lakh 5% of the original. That you don't need to dilute from. एक बार मेरे को एक सिर्फ कॉल करना है। हाँ जाओ। पहली बार हुआ है कि हमने वैल्यूएशंस डबल करनी शुरू करी है, लाइक 10 करोड़ से। डबल क्यों करते हो यार आप लोग? इससे शुरू किया, इससे शुरू किया। बढ़ाना है यार, व्हाई यू डबलिंग वैल्यूएशन? वो भी नमिता कर रही है। आपने ये नया गेम शुरू करा है, आपने 10-20 तो किया ना आज। 20% बढ़ाओ, 10% बढ़ाओ। तुम इतना गुस्सा मत हो। हितार्थ भूल तो नहीं तेरी वैल्यूएशन कौन ने वधारी? मैं पहला वधारी। भाई ये सब गड़बड़ किया उसने। 10-20 मैं करी छे। थैंक यू सो मच नमिता फॉर दैट। चल जल्दी कॉल। अमन। Never underestimate the power of a man. वैल्यूएशन बढ़ाई यार और कुछ। I cannot believe this. Good job. Aman Fan Club. मैंने तेरी वैल्यूएशन डबल कर दी और तूने उसको पिक किया। Good job. अच्छी खासी डील आई थी, ये शार्क्स ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली और तुमको 1 करोड़ रुपया मिल रहा था। क्या लेके आ रहे हो यार उसे? वो कभी जिम के अंदर ही नहीं गया है। क्या कर रहे हो यार तुम? आज से हम भी जिम जाएंगे। चलो सी यू, मैं बाहर छोड़ आता हूँ वरना ही आते रहेंगे। चल मैं सिर्फ ले लूँ प्रोडक्ट्स? हाँ प्रोडक्ट ले जाते हैं, बहुत महंगा है। 20,000 का प्रोडक्ट लेके जाओ। I would love to help you anyways. Thank you. All the best. Good job, guys. Thank you. Thank you.
नमस्ते शार्क्स, मैं बीनल शाह फ्रॉम अहमदाबाद. नमस्ते शार्क, मैं नितिन खोपे फ्रॉम ठाणे. नमस्ते शार्क्स, मैं प्रसाद फड़के फ्रॉम पुणे. और हमारी आस्क है 50 लाख फॉर 2% इक्विटी. अच्छा शार्क्स, क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार क्या है? क्या है? एटम बॉम्ब, मशीन गन या सबमरीन? एक्चुअली शार्क, दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार ये इतना सा छोटा 5 mm का मच्छर है. आज तक जितने भी जंगे हुए हैं उनमें करोड़ों मौतें हुई है, लेकिन मच्छरों ने उनसे कई ज्यादा मौतें दी है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जीका, इन बीमारियों से. दुनिया में सालाना 10 लाख लोगों की मौतें इन बीमारियों की वजह से होती है. और इनसे निपटने के लिए आज मार्केट में रिपेलेंट्स अवेलेबल है जो मच्छरों को सिर्फ भगाते, यानी हम प्रॉब्लम शिफ्ट कर रहे हैं. और अगर हमें इस प्रॉब्लम को जड़ से हटाना है तो हमें इनकी रिप्रोडक्शन साइकिल को बंद करना पड़ेगा, इनकी आगे की जो पीढ़ियां है उनको नष्ट करना पड़ेगा. और इसी के लिए हमने बनाया है इको बायो ट्रैप्स. इको बायो ट्रैप्स एक सस्टेनेबल तरीका है मच्छरों की ब्रीडिंग को स्टॉप करने के लिए. ये ट्रैप में आपको सिर्फ पानी ऐड करना है और आपके घर के बाहर या ऑफिस के बाहर या बालकनी में रख देना है. इसमें मौजूद इंग्रेडिएंट पानी में मिलके मच्छरों के रिप्रोडक्शन साइकिल को ब्रेक कर देता है. इससे ना रहेगे मच्छर और ना रहेगी उनसे होने वाली घातक बीमारी. शार्क्स, हमारा प्रोडक्ट साइंस बेस्ड है और साइंटिस्ट ने अप्रूव किया हुआ है. जनरली मॉस्किटो ब्रीड होते हैं डेंसली पॉपुलेटेड स्लम्स में, और इसीलिए हमने चूज किया है वर्ल्ड की डिफिकल्ट टेरेन जो कि धारावी है, एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी. और हमें गर्व है कि हमारे प्रोडक्ट ने यहाँ पे बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिए. उसके साथ साथ में होटल्स, हॉस्पिटल्स वगैरह इसके ऊपर इंस्टॉलेशन किए हैं. ये सेट के ऊपर भी इको बायो ट्रैप्स लगे हुए हैं. एंड दिस इज द ओनली सेट, वर्ल्ड्स फर्स्ट सेट विच इज 100% डेंगू मॉस्किटो फ्री जोन. यहाँ पे आपको डेंगू होगा नहीं सर. तो इसके लिए शार्क्स, जुड़ जाइए हमारे साथ इस जंग में, क्योंकि इफ दे ब्रीड वी ऑल ब्लीड. इतने दिलचस्प आदमी पुणे में है और हम मिले नहीं है. नहीं मैम, काफी हाई एनर्जी पिच थी, बहुत मजा आया. थैंक यू, जोश में आ गए हम मच्छरों के साथ जंग लड़ने के लिए. एक मच्छर इंसान को. और इसका लाइव डेमो भी है, तो दिखा दीजिए वीडियो वो वाला जिससे हम दिखा पाएंगे शार्क टैंक में क्या हुआ है. नहीं पड़ता यहाँ पे, अभी कोई डेंगू वाला मसला आया ही नहीं अभी तक. इस समय तो मैं तो हमेशा डेंगू मलेरिया से कितने जन अगले साल मरे थे. हाँ. साल तो बहुत कम थे. लगाने का बहुत फायदा है कि शाम को भी जो मच्छर लगते हैं तो वो भी नहीं लग रहे हैं. से मच्छर के या जो डेंगू का जो भी है वो मसला हल हो. हमने लॉन्च किया प्रोडक्ट जून 22 में, और फिर हमें अपॉर्चुनिटी मिला ICICI फाउंडेशन के साथ में जिन्होंने फंड किया धारावी में. हमने पहले 3 महीने वो लगाया, फिर उससे रिजल्ट साइंटिफिकली बहुत आए बिकॉज प्रोडक्ट साइंस के ऊपर बिल्ट है. कितने रिजल्ट आए? हमने 3000 ये लगाए एंड 15 मंथ्स में 80% डिजीज रिडक्शन है. तो हमेशा धारावी टॉप ऑफ द चार्ट्स हुआ करता था इन एवरी मलेरिया डेंगू सीजन. आप ये हफ्ते की रिपोर्ट देखिए, धारावी डजंट फिगर इवन इन द टॉप 10 लिस्ट. लोग चुरा के नहीं ले जाते हैं. ये पहले 2-3 महीने समस्या अनुपम जी धारावी में थी, लेकिन वही टाइम पे हमने आइस एजुकेशन कर दिया. और जब वो लोगों को खुद को पता चला, अरे बाहर बैठ रहे मच्छर नहीं काट रहे, अभी गली में डेंगू की मौत हुई थी पिछले 2-3 सालों में, अभी मौत नहीं हुए, तो भाई ये तो अपनी जान बचाने वाली चीज है, इसको संभाल करके रखो. अभी आइस कम्युनिकेशन इतना करना नहीं पड़ता है. इसमें जब आप लगाते हैं और पानी डालते हैं तो उसमें आके मच्छर अंडे देते हैं, तो अंडे ब्रीड नहीं कर पाते, वो मच्छर मरता है, क्या हो रहा है एग्जैक्टली? और इसमें क्या चीज आपने केमिकल डाला है जिसकी वजह से हो रहा है? बेसिकली ये गमला है, तो इसमें सिर्फ हमें पानी डालना है
और इसके अंदर कुछ पॉइजन सी पैकेट दिख रही है। दो दो चीजें है पाउच में, एक है एट्रैक्टेंट जो कि एनिमल खाद है बेसिकली, और उसी पैकेट में दूसरा एक है गवर्नमेंट अप्रूव्ड IGR है जो कि इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर बोलते हैं उसको। पानी में मिक्स होने के बाद ये जो अंडे देती है मादा मच्छर, वो अंडे को हैच नहीं होने देता है। और ये क्या पर स्क्वायर फुट के हिसाब से आपको लगाना पड़ता है? एक बायोट्रैप 400 स्क्वायर फुट एरिया कवर करता है। बट ये फ्लाइज के लिए नहीं काम करता है? नहीं सर, सर बिकॉज मॉस्किटोज ओनली ब्रीड इन वाटर, ओनली फीमेल मॉस्किटो बाइट्स, मेल डू नॉट बाइट। उनकी जिंदगी सिर्फ 15 से 30 दिन है एंड दे ले एनीवेयर बिटवीन 500 से 1000 अंडे। मान लो एक वाटर बॉडी पास में है और ये आपका पॉट पड़ा है, क्या रीजन है कि मच्छर यहीं आके अंडे देगा, वहां जाके नहीं देगा? अमित जी, आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन। वो है वो अट्रैक्टेंट, और वो अट्रैक्टेंट हमने माँ की तरह सोचा है। वो बच्चों को बड़ा होते हुए नहीं देखने वाली है, तो माँ तीन चीजों के बारे में सोचेगी, रोटी, कपड़ा और मकान। कपड़ा और मकान वो कंटेनर है, और रोटी है उसके बच्चों के लिए खाद्य जो दूसरे वाटर बॉडी में नहीं है, जो उसको अट्रैक्ट करता है। बाकी मुझे नहीं पता, आपको मच्छरों ने खूब काटा है कोई दिन। आपको इतना मजा आता है ना उनकी तोहीन करने, उनका मतलब कंप्लीटली उनको वाइप आउट करना आपको दुनिया से। यही तो जंग ये है, ये आपकी जंग है बॉस। अनुपम जी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कैपिटलिज्म था। हम अमेरिका में कैलिफोर्निया में एक बार में थे, इन दैट बार सडनली देयर वर लॉट ऑफ मॉस्किटोज, और आपको तो मालूम है कि अमेरिका में मॉस्किटोज तो सब पैरानॉइड हो जाते हैं। दैट टाइम इट स्ट्रक अस कि यू नो इस पे क्यों काम नहीं हो रहा है। फिर आई वेंट इनटू द डेप्थ ऑफ द साइंस, और कोविड ने हमको साइंस ने क्या सिखाया, इफ यू हैव टू कम आउट ऑफ समथिंग जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर डबल टिप इतना ज्यादा है, तो यू हैव टू ब्रेक द चेन, और ब्रेक द चेन के लिए हमारे पास में डिवाइस ही नहीं है। हम भगा रहे हैं, नहीं तो ऐसे मार रहे हैं या रैकेट से मार रहे हैं। तो सोर्स रिडक्शन के लिए क्या करना जरूरी है? ये जो केमिकल्स है अंदर, हाँ जी, ये आप नहीं बनाते हैं और किससे लेकर डालते हैं? करेक्ट। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपना आविष्कार ये है, ये हमने वो दो चीजें ली, एक ये गमला डिजाइन किया, उसमें चिपकाया और एक सिस्टम बनाया, ये अपना आविष्कार। नहीं अनुपम जी, ये तो है, लेकिन पैटर्न जो है हमारा 50 कंट्रीज में ग्रांटेड, वो इज द एबिलिटी ऑफ सेल्यूलोज एज अ स्ट्रक्चर। ये जो मटेरियल है, ये अंडे का ट्रे का सेम मटेरियल है। हाँ जी, वहाँ पे आप अंडे का ट्रे में पानी डाल दीजिए, माइक्रो सेकंड में गिल जाएगा। इसमें अभी हमने टाइम किया है 4 से 6 हफ्ते के लिए, लेकिन इसको हम 3-6 महीने भी बना सकते हैं। आपके गमले में यहाँ लिखा है 500 rupees and can only use for 4 weeks. Yeah. So you have to keep replacing. उससे अच्छा मैं सैशे बाय कर लूं और मेरे घर में बाल्टी है, मैं उसमें डाल दूं। नमिता जी, ये जो सैचेस थे, ये बहुत सारी कंपनियां 20 साल से बेच रही है, लेकिन वो हो नहीं रहा है, तो उसको आपको नीचे ये सारे इंग्रेडिएंट चिपकाना पड़ेगा। उसमें क्या बड़ी बात है, मैं एक सेलो टेप से चिपका दूंगी सैशे। प्रैक्टिकलिटी नहीं है, लोग ये खरीद के रख लेंगे, आप सैशे खरीदो फिर उसको चिपकाओ फिर लगाओ। ये अगर ये प्लास्टिक का होता तो भी उतना इफेक्टिव होता है या नहीं होता? प्लास्टिक का चक्कर ये है कि प्लास्टिक के गमले हमने लगा दिए, तो वो अंदर वाला किलिंग इंग्रेडिएंट तो एक एक महीने का ही है, तो वो जाके वापस बदलना पड़ेगा। वो बदलेगे नहीं तो वो ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाएगा। इसमें भी अगर आप छोड़ दोगे 2 महीना, ये भी ब्रीडिंग ग्राउंड हो जाएगा। नहीं, बट वो पिघल जाएगा ना। नहीं, 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 बाद में पानी टपकना लगेगा, इसमें पानी रहेगा ही नहीं। अभी सस्ते की बात करते हैं ना, इंडस्ट्री में फॉगिंग करते हैं, फॉगिंग इज 2 times एक्सपेंसिव देन दिस। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डेंगू लाइक जैसे फैला हुआ था अभी, तो ये क्यों नहीं, अभी तक इतना वायरलिटी क्यों नहीं आई इस प्रोडक्ट में? B2B हमारा फोकस है अमन जी, एज ऑफ नाउ। B2C बिकम्स एन इवेंचुअलिटी। तो कितना बिजनेस है, धंधा कितना बड़ा है? हमारा लास्ट ईयर का सेल्स था 84 lakhs। उसमें कमाया कितना था? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 25% था। नेट एंड में कितना घर पे बचा? 4%। उसमें आपने अपने आप को सैलरीज दी है? नहीं, 4 साल से हमने कोई सैलरी नहीं ली। तो घर कैसे चल रहा था सेविंग से? नहीं, मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में रेम्यूनरेशन लेती हूँ एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और आप दोनों? मेरा सेविंग्स से चल रहा है, पिछले 6-7 साल से लड़ रहा हूँ। और आपकी भी सेविंग्स? मेरी भी सेविंग्स थी, लेकिन इस साल आई एम ड्रॉइंग सैलरी। ओके, सो हैव यू रेज कैपिटल? यस यस। तो कितना रेज किया? 1 crore 25 lakhs। एट व्हाट वैल्यूएशन? 15 करोड़ वैल्यूएशन। और ये कब किया आपने? पिछले जून 2022। ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये काफी कमाल का, पर ये 500 रुपए का सोल्यूशन बनाया आपने। हाँ जी, 500 रुपए का सोल्यूशन इज नॉट अफोर्डेबल बाय बहुत जो गरीब लोग होते हैं, अगर खुद खरीद के लगाना होता तो पॉसिबल नहीं होता। अगर हम 10 लाख पीसेस
महीने के रन रेट पे बेचने लगे तो हम ये कंज्यूमर को 150 रुपए में लेके आ सकते हैं। अगले 3 साल में आप B2G, B2CSR एंड B2C कितना करोगे? दिस ईयर का वी आर फोरकास्टिंग 6 करोड़ इन बिलिंग्स। दिस ईयर मतलब FY24 मार्च एंड जिसमें से आई हैव ऑलरेडी ऑर्डर बुकिंग फॉर 3 करोड़ एज वी स्पीक। पिछले लास्ट मंथ कितना था आपका? 8 लाख 6 करोड़ तो मुश्किल है। आपका शायद ऑर्डर बुक हो जाए 6 करोड़ का, लेकिन आपका रेवेन्यू नहीं होगा 6 करोड़। एंड B2C में क्या अलग होगा? B2C वाले प्रोडक्ट में साइज शेप लेस देन 50 रुपीज। 50 रुपीज तो कस्टमर मिलेगा, लेकिन वो कवरेज 400 स्क्वायर फीट नहीं करेगा, वो 101 रूम करेगा। ये एज अ CSR फंड अपनी कंपनी से मैं दे सकता हूँ, बट एज एन इन्वेस्टर मैं क्यों आऊंगा इसमें? हमारी ये सोच है आगे जाके इसको इतना बड़ा करके लिस्ट करके लिस्ट करोगे ग्लोबल जाना है। हमारे पास में पैटर्न्स भी है सारे, लाइसेंसिंग डील्स की भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। चलो एनीवे, मुझे लगता है ये CSR के लिए मैं कंफर्म करता हूँ कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा। थैंक यू अमन, बट एज एन इन्वेस्टर मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरे को इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं लगता। आपके लिए भी ये बोलता हूँ, सैलरीज लो, इसको बिजनेस उसकी तरह मत सोचो कि ये मैं वैल्यूएशन के चक्कर इन्वेस्टर के चक्कर में आऊंगा, मत करो। आई एम आउट। अच्छा मेरा डिसीजन बन गया है, एंड आई विल टेल यू व्हाई आई एम आउट। फर्स्टली हैट्स ऑफ टू यू, आई मीन 5 साल से आप लगे हैं, क्या पैशन है, क्या आपने ऑलरेडी इम्पैक्ट दिखाया है। बट जो एक बिजनेस मॉडल चाहिए वो मैं डिफर करती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, आई थिंक अगर आप सैशे का बिजनेस करेंगे मुझे उसमें ज्यादा वैल्यू दिखता है। एंड ये पूरा गमला जो है ना, जो आपका वैल्यू प्रोपोजिशन है, आई डोंट अग्री विद दैट, बट आई विश यू द बेस्ट। थैंक यू नमिता। देखिए जो काम आप धारावी में कर रहे हो जरूरी है, लेकिन इन्वेस्टर को पैसा रिटर्न करने के लिए आपको इसको काफी बड़ी कंपनी बनानी पड़ेगी। मेरा ये मानना है कि ये कंटेनर में कोई ऐसा आविष्कार नहीं है कि और कोई ये पैटेंट को सर्कमवेंट करके बना नहीं पाए, मे बी विद सम अदर मटेरियल। क्या ये सोल्यूशन 1 साल में काम करेगा? आई डोंट थिंक सो। तो दीज आर द रीजंस, आई एम आउट, गुड लक। देखो मैं भी आउट हूँ, बिजनेस के अंदर मोड समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर ये बड़ा बनने लगेगा तो बहुत सारे लोग इस शेप के डब्बे बना के सस्ते में बेचने लग जाएंगे, और इसलिए डिफेंसिबल मोड नहीं मिल रही मेरे को। आज मैं बाहर हूँ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। देखिए ये जो इन लोगों ने बोला है एब्सोल्युटली करेक्ट है ना, ये इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं है। एंड ऊपर से आप तीनों में किसी की बिजनेस थिंकिंग नहीं दिख रही है। जैसे आप एक 400 स्क्वायर फीट वाली जगह का प्रोडक्ट बेच रहे हैं 500 रुपए में, 100 स्क्वायर फीट वाला सिर्फ 50 रुपए में। तो आई डोंट थिंक आपने ये भी थिंक थ्रू अभी तक किया है अपना नंबर्स, बट ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है एंड आप काफ़ी पैशनेट हैं आप, तो मैं आपको जस्ट ऑन दैट एक ऑफर देती हूँ। 50 lakh rupees for 10%. It's a great offer. हमारी valuation कम हो जाएगी सर। आपने देखे है ना Shark Tank के pitches, तो कोई भी company में मिलता है, आपने देखा है मिलते हुए 25x of revenue नहीं मिलता। Because हमारे पास confirm orders थे, फिर foreign companies had also shown lot of interest. See now अब आप अपनी grave dig कर रही हैं, क्योंकि आपको लगता है कि valuation interest confirmed interest पे मिलती है, तो वो तो आज तक किसी को नहीं मिली है। चलिए आप काउंटर कीजिए या तो ना कीजिए, आपकी मर्जी। विनीता जी, वी रियली वांटेड टू, बट यू नो आई करंट आई हैव टू रिस्पेक्ट। करो ना, नहीं करना, एटलीस्ट लास्ट वाला है। 15 करोड़ इज योर लोगो, 15 करोड़ इस बिजनेस के लिए करंटली बहुत ही मुश्किल है। सो बेस्ट ऑफ लक टू यू, एंड या आई विल डेफिनेटली पुट 4 ऑफ दीज इन माय हाउस। Thank you so much, sir. Thanks. Okay. Thank Good you. Job. Thank All you. The best. Thank you. Good Thank luck. बहुत चलेगा आपका। Oh my lords, it's crazy. हमें कार क्लीनिंग सर्विस, हमें पता है इसमें आप इन्वेस्ट करने वाले हो। कार देखो। कार देखो। कार दो। कार दो। CarDhona.com नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम हर्ष है, मैं मुंबई से हूँ। मेरा नाम यशवंत है और मैं नागपुर से हूँ, और हम है फाउंडर्स ऑफ पूरा।
शार्क्स, आपको पता है कि आपकी गाड़ी को रोज कौन चमकाता है? हाँ, मुझे पता है। ये कपड़ा, बेचारा ये कपड़ा, इसके साथ हम ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे इसका कोई इंटरोगेशन चल रहा हो। इसे हम डुबोते हैं, निचोड़ते हैं, मारते हैं, पटकते हैं। अगर आज ये जिंदा होता ना तो चल ही बसता। सच बात तो ये है, चाहे आपकी लग्जरी कार हो या मेरी बजट कार हो, एट दी एंड यही गंदे कपड़े से धोई जाएगी। पूरा एक ऐसा ऐप है जहाँ आप घर बैठे बैठे हमारे ट्रेन पार्टनर्स के थ्रू एक कार वॉशिंग सेंटर एक्सपीरियंस पा सकते हैं और कम पानी में आपको कहीं भी और कभी भी ये सर्विस दे सकते हैं। आज भारत में लगभग 15,000 कार वॉशिंग सेंटर्स हो गए हैं जो हर दिन 1 करोड़ लीटर से भी ज्यादा का वाटर वेस्ट कर रहे हैं, जबकि हूरा अपनी सर्विसेज में 5 गुना कम पानी यूज करता है, जिसके वजह से पिछले 1 साल में हमने 15 लाख लीटर से भी ज्यादा का वाटर सेव कर लिया है। Well done. आज हूरा इंडिया का नंबर 1 डोर स्टेप कार वॉश एंड बाइक केयर ऐप है, जिसके 1 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड हो गए। हमारा विजन है कि हम ऑटो केयर को सबके लिए एक्सेसिबल एंड इको फ्रेंडली बनाना चाहते हैं। हमारी मांग है 80 लाख रुपीज फॉर 2% इक्विटी। हूरा, इट्स मोर देन अ वॉश। Awesome. I thought you'll end with hip hip hoorah. Harsh and Yashwant. Yes. Yeah. Welcome to Shark Tank Season 3. अभी आप मुंबई में बेस्ड हैं कि नागपुर में? मैं मुंबई में हूँ। अच्छा, आप नागपुर, आप मुंबई में। एंड आवर होल हेड ऑफिस इज इन नागपुर। क्यों भाई? बिल्डिंग द ऐप तो वो रिमोटली हो जाता है, बट एवरी मंथ आई एम इन नागपुर। मेरा और समीर का भी सेम है, वो बॉम्बे में बेस्ड है, मैं दिल्ली में बेस्ड हूँ। और कंपनी हमने 6 साल पहले स्टार्ट की थी, हमसे भी पूछते थे लोग अलग क्यों रहते हो, काम हो जाता है, अच्छी कंपनी बना ली 6 साल में। और आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड बताएंगे? हम लोग एक वाई कॉम्बिनेटर के प्लेटफॉर्म पे मिले थे। एट दैट पॉइंट मैं एक टेक पर्सन ढूंढ रहा था, इन्होंने भी पहले ऑटोमोटिव के कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे, तो हम लोगों ने 3-4 महीने बात किया, उसके बाद ही थॉट कि यू नो लाइक व्हाई नॉट ही शुड कम ऑन द बोर्ड। हमारे यहाँ क्या होता है कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो आके कार वॉश कर देते हैं, उनकी इनकम बढ़ जाती है 1,000-1,500-2,000 से हर महीने। और डीप क्लीनिंग है जो एक दूसरी टाइप की वॉशिंग है, वो हम गराज भी गाड़ी बेचते हैं तो कर लेते हैं। तो आप ये दोनों काम में से कौन सा करते हो? अनुपम, ग्रेट क्वेश्चन। हम डेली वॉश सेगमेंट टारगेट ही नहीं करते। गॉट इट। इंडिया में मर्सिडीज की भी सर्विस कराता है ना, तो कोशिश करता है बाहर हो जाए तो सस्ती हो जाएगी। करेक्ट। मतलब कंज्यूमर में प्रॉब्लम है क्या ये? हमारी सर्विसेज अफोर्डेबल है, हम लोग 99 रुपीज से सर्विसेज स्टार्ट करते हैं। घर जाके 99 रुपीज में तो थोड़ी गाड़ी खराब हो सकती है, लॉस ही बनाओगे हमेशा। हमने एक मिनिमम ऑर्डर वैल्यू रखा है जिसमें आपको 200 रुपए की सर्विस बुक करनी पड़ती है। 200 इज ऑल्सो वेरी लेस। हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू अभी 400 रुपए है, और हम लोग अभी आगे और भी सर्विसेज लॉन्च करेंगे जो 2000 से 4000 के रेंज में भी रहेगी। तो ये आप जो लगाया है, ये गाड़ी का डेमो लगाया है, धोने का दिखा रहे? हाँ, तो शाक्स अभी जैसे हमारे पास एक गंदी गाड़ी पड़ी है और आप पूछ रहे हो कि यू नो ये सर्विस का क्या नीड है, कंज्यूमर्स चाहते कि नहीं, तो आपको एक डेमो ही दिखाई देते हैं। दिखा दो। ये है हेमंत, हमारे ट्रेंड एंड वेरीफाइड सर्विस पार्टनर, जो आपको सर्विस डेमो देंगे। हाय हेमंत। शाक्स, ये हमारा प्रोप्राइटरी बैकपैक है, इसमें पूरा का पूरा कार वॉशिंग सेंटर है। ये एक वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर है जो नॉर्मल क्लीनिंग से लेके डीप क्लीनिंग सारे आपके घर पे कर सकता है। और हमारा ये जो प्रेशर वॉशर है, इसको हमने ही डिजाइन किया है। और ये है हूरा का पावर सोर्स, ये भी हमने बनाया है। हूरा जो है आपके डोर स्टेप में आपको अंडरबॉडी क्लीनिंग दे देता है, ये 90° लेंस के थ्रू। ये सारा इक्विपमेंट खुद बनाया अपन ने? हाँ, ये पूरा का पूरा इक्विपमेंट हमने बनाया और इसमें हमने पेटेंट भी डाला है। बहुत बढ़िया। हेमंत, उसको अंडरबॉडी कर दो 90°। ये हमारी पूरी सर्विसेज विद इन 60 मिनट्स हो जाती है, और जो डीप क्लीनिंग है वो विद इन 3 आवर्स हो जाती है। आई थिंक ये हो गया हेमंत भाई। अभी ये शैम्पू SOP होगी, उसके बाद ये फुल प्रेशर क्लीन होगा। आप इनके सर्विस पार्टनर हैं? हाँ सर। तो आप खुद जाके वॉशिंग करते हैं? पहले मैं खुद जाके करता था। अच्छा जी। मैंने बंदे रखे सर। कितने लोग रखे हैं? 2 बंदे रखे। और कितना कितना कमा लेते हो? बंदों का पेमेंट निकाल के मुझे पर बंदे के पीछे 15-20,000। तो अभी 40,000 कमा लेते हो? 35-40 के एवरेज है। और ये जो मशीन है, इसमें आपने इन्वेस्ट किया है कि इन्होंने आपको दिए? इन्होंने दिया, मैंने सिर्फ पैसे इन्वेस्टमेंट किए। कितने पैसे दिए आपने? मैंने 3 लाख दिए थे उनको GST पकड़ के। 3 लाख? आपने उसने वापस आ गए इतने? हाँ, मेरे को उन्होंने टोटल 2 किट दिया ऐसे। और आप इससे पहले क्या करते थे? कार वॉश ही करता था मैडम। वहाँ कितना कमा लेते थे? वहाँ 15-20। और अभी 40? हाँ। तो यार आपकी तो डबल हो गई इनकम। हाँ। और किट खरीदो और डबल करो। हाँ, एरिया बढ़ा रहा हूँ सर। चलो आप ये करो, फिर जब तक हम इनसे बात करें। थैंक यू हेमंत भाई। थैंक यू सर। थैंक यू यार, बहुत अच्छा लगा यार ये बात सुन के, तुमने 40,000 रुपए महीना कमा रहे हो, डबल इनकम कर दिया, वेरी गुड जॉब। आप
आपने कहा 1.5 लाख में एक किट बेचते हैं, उसमें आपको कितना बचता है? यूनिट इकोनॉमिक्स वाइज हमारा 80,000 का किट होता है और हम एक वन टाइम फी लेते हैं, ऑनबोर्डिंग फी 80,000 का। तो फिर तो दो किट का 160-240 होना चाहिए। जीएसटी ऐड नहीं किया हमने, इस पे ऊपर जीएसटी लगता है तो 280-290 के आसपास आ जाता है। अच्छा, आप बोल रहे थे पैटेंट है आपके प्रोडक्ट के, क्या आपने किया था? तो हमने जो पैटेंट फाइल किया है वो पोर्टेबल बैकपैक डिटेलिंग सिस्टम पे, जिसपे हमारी जो पावर सोर्स है वो प्रोप्राइटरी है। प्रोप्राइटरी का क्या मतलब है? ये तो इलेक्ट्रिक बैटरी है ना? नहीं, हमने खुद से डिजाइन की है और इसमें हम जो मशीन्स रन करते हैं वो बिना मॉडिफिकेशन के आप ये हाई वोल्टेज हाई पावर बैटरी से ये मशीन्स रन नहीं कर सकते। इसमें हमने BMS लेवल और सेल लेवल पे भी वर्क करके वो पूरा एक सिस्टम बनाया है। तो ये तुमने खुद बनाई है मशीन, तुम कह रहे हो कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती? कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अभी करंट जो कार वॉशिंग की इंडस्ट्री, उसमें कितना बिजनेस होता है? सो हर दिन ये 8-10 करोड़ का बिजनेस एवरीडे कर रहे हैं। एवरीडे? यस, एवरीडे। तो 3,000 करोड़ का बिजनेस है। 3,000 करोड़ का करंटली कार वॉश बिजनेस है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। यशवंत, जब मैं उतर रहा था मैंने सोचा ये गाड़ी धोने का बिजनेस है, मैं क्यों इंटरेस्ट होगा, मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है। सो फर्स्ट थिंग, गुड जॉब। थैंक यू। सेकंड थिंग, आपने ये वैल्यूएशन लगाई अपनी कंपनी की 40 करोड़। इसका कोई बेसिस है? यस, तो सबसे पहले हमने एक आइडिया स्टेज पे एक 5 लाख का स्मॉल चेक लिया था अप्रैल 2022 में। हमने अक्टूबर 22 में 14 लाख का वापस 3 एंजल से छोटा चेक लिया था, जिससे हमने हमारी R&D प्रोटोटाइप किट का वैल्यूएशन भी बता दो। वैल्यूएशन 5। मोस्ट रिसेंट मार्च 23 में वापस 5 CR पे और बंच ऑफ एंजल से 47.5 लाख का फंड रेज किया था। तो मोस्ट रिसेंट राउंड 5 CR पे था, 47.5 इनफ्लो। 5 CR से 40 करोड़, 6 महीने में वो भी? तो उस टाइम हमारा मंथली रेवेन्यू 8 लाख हो रहा था, अभी हम 31 लाख मंथली कर रहे हैं। इट्स वेरी गुड, नॉट बैड। हमारा बिजनेस हर क्वार्टर 100% ग्रो कर रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यू ग्रोइंग 100%। Q1 इस साल हमने 40 लाख का रेवेन्यू किया था, ये क्वार्टर हम 90 लाख के ऊपर क्लोज करेंगे। 90 लाख में एक लार्ज पार्ट तो पार्टनर को जाता होगा ना, वो कितने? तो अगर जैसे 100 रुपए का रेवेन्यू बिजनेस में आता है, उसमें से 25% हमारे सर्विस पार्टनर का शेयर चले जाता है, 15% हमारा किट कॉस्ट हो गया, तो 60% हमारा ग्रॉस मार्जिन बचा। वो 60% के बाद हमारा 25% सैलरीज और बिजनेस टीम को जाता है जो इनहाउस है, 25% की मार्केटिंग स्पेंड होती है और हमारा 15% का अदर बिजनेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। तो अभी हम -5% लॉस पे चल रहे हैं, लेकिन लास्ट मंथ हमने ब्रेक इवन किया था, हमने जस्ट प्रॉफिट टर्न किया था। यार गड़बड़ लग रही है कुछ। आपने बोला एवरेज ऑर्डर वाली 400 रुपए। हाँ, 400 रुपए में ये सारे पॉसिबल कैसे हैं? तो 90 लाख का जो हमारा रेवेन्यू है उसमें से 60 लाख किट सेल से आया है। किट सेल तो वन टाइम सेल, बार बार तो होनी थी ना, उसको हटा दो रेवेन्यू से। ठीक है, कितना बचा अपना? 30 लाख का जो 30 लाख बचा, तो रेवेन्यू अपना 30 लाख। 30 लाख फॉर द क्वार्टर या 10 लाख? 10 लाख पर मंथ। एक सर्विस होती है मान लो 400 रुपए की, तो उसमें कमाओगे कैसे, मैं वो नहीं समझ पा रहा। हम हर सर्विस पे 15% टेक रेट लेते हैं, तो एवरी सर्विस पे 15% हमें 15% रेवेन्यू है। 60 रुपए पर सर्विस कमाते हो? हाँ। मोटा मोटी कितने दिन की करते हो? हम लोग एक महीने में अभी 2000 सर्विसेज कर रहे हैं। 60 × 2000, ये अपना रेवेन्यू हुआ मोटा मोटी 1,20,000। यस। अगर तुम्हारा 1,20,000 का रेवेन्यू है, इसका यूनिट इकोनॉमिक्स बैठेगा कैसे, मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा अभी तक। 400 रुपए में तुम कमाओगे कैसे? तो अगर जैसे आप 300 पार्टनर्स पकड़ते हो, हाँ जी, और वो डेली अभी उनकी एवरेज 1500 रुपए की सर्विसेज होती है। 1500 और आपका टेक रेट ले लेते हैं, उसमें कितना हुआ? 15%। 15% करेक्ट। तो कितना? 225 रुपए। हाँ, 225 × 400 कितना आ गया डेली पे? वो 80,000 हो गया। 24 लाख रुपए का बिजनेस हो गया 400 पार्टनर बनाने के बाद। करेक्ट। तो 24 लाख का जब नेट रेवेन्यू आएगा तुम्हारे पास, तुम्हारे खर्चे कितने उसके अंदर? हमारे खर्चे वैसे भी थोड़े स्केल होंगे, लेकिन हम जैसे काफ़ी टेक एनेबल्ड चीज़ें कर रहे हैं विथ क्वालिटी चेक्स, कस्टमर सपोर्ट, तो हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके स्टैगनेट हो जाएगा, लेकिन हमारा सर्विस रेवेन्यू बढ़ते रहेगा। मुझे ये बताइए आपका ड्रीम और एस्पिरेशन क्या है, आप नंबर्स में बताओ मुझे कि कितना बड़ा धंधा बनाओगे आप 2 साल? 40 CR वी आर प्रोजेक्टिंग फॉर द सेकेंड ईयर फाइनेंशियल। 40 CR अगर आप करोगे, योर रेवेन्यू विल बी 6 करोड़। या, और सर्विस रेवेन्यू सिर्फ लोगे ना, तो उसमें 6 करोड़ में सिर्फ 3 करोड़ होगा, वो भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, एक्चुअली 2 करोड़। आपने कहा आपके कैप टेबल पे ये सब बड़े बड़े बिजनेसमैन, ये आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं? अभी हमारा बहुत ही अर्ली बिल्डिंग स्टेज है, हमने 50 लाख या 60 लाख में हमने खुद का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक इकोसिस्टम क्रिएट किया, पार्टनर्स को ये प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड भी किया। नोबडी केयर्स गाइस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी ऑनेस्ट विद यू। Who cares कि आपने हार्डवेयर बना दिया, सॉफ्टवेयर बना दिया, बैटरी बना दिया, ये कार क्लीनिंग सर्विस है मेरे फ्रेंड, इट इज कम्प्लीटली कमोडिटाइज, कोई नहीं देखता यार आपने कैसे क्लीन की, एज लॉन्ग एज द कार इज क्लीन। मैं आपको बताता हूँ, बेवकूफ़ी और बहादुरी में
कभी कभी बहुत कम फर्क होता है। आपके बिजनेस एडवाइजर्स इन्वेस्टर्स का ये फर्ज बनता है कि आपको ये समझाएं। आई थिंक यू गाइज आर वेरी टैलेंटेड एंड यू शुड फोकस योर एनर्जी ऑन अ रियल प्रॉब्लम। मैंने क्या देखा ना, आपने जब वाटर सेविंग की बात की ना, आपकी आंखों में चमक आ गई। यू सीम टू बी पैशनेट अबाउट द एनवायरनमेंट और आप में वो टैलेंट है। व्हाई डोंट यू यूज दैट टैलेंट टू सॉल्व अ बिगर प्रॉब्लम? क्लीन एनर्जी इज अ मैसिव प्रॉब्लम। हमारे देश में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा आप जैसे लोग क्लीन एनर्जी में काम करें। माई एडवाइस टू यू इज टू रीडायरेक्ट योर सेल्फ, डोंट गो डाउन डीपर ऑन दिस एंड फाइंड दैट एवेन्यू दैट यू कैन बी मोर पैशनेट अबाउट। ओके, गुड लक, आई एम आउट। मुझे ये बिजनेस बहुत मुश्किल लग रहा है इन टर्म्स ऑफ स्केलिंग, क्योंकि आपने इसको बहुत कॉम्प्लेक्स बनाया है एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट विश यू द बेस्ट। मैं भी आउट हूँ, देर आर टू रीजंस। एक तो जो मार्केट साइज है 3600 करोड़ करंटली अप्रॉक्सीमेटली, उसका हम 20% भी ले लेते हैं, तो एज पर द फैक्ट कि अपना खुद का रेवेन्यू 15% ही आता है उसका, तो हमारा मतलब स्ट्रेच कर कर के भी 70-80 करोड़ तक का बिजनेस पहुंच सकता है। तो स्केलेबिलिटी कंसर्न है, इवन इफ यू अज्यूम कि 20% लोग कन्वर्ट हो जाएंगे टू दिस। दूसरी बात ये है, आपने काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे ऑलरेडी रेज किया है, तो एट दिस स्टेज मे नॉट मेक सेंस फॉर मी टू कम इन एट एन इन्वेस्टर दैट वैल्यूएशन, सो आई एम आउट। बेस्ट ऑफ ऑल। देखो यार, फाउंडर सॉलिड हो तुम लोग, प्रोडक्ट अच्छा है, मार्केट और मॉडल अभी डिफाइंड नहीं है। मैं ये रिस्क लेने को अभी तैयार नहीं हूँ, मुझे ये नहीं पता कि मैं पैसे बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा, तो इस रीजन से मैं आउट हूँ, बट कीप कंटिन्यू डूइंग दिस। मैं बिल्कुल बहुत कीन आया था कि यहाँ पर मेरे को करना चाहिए, क्योंकि मेरे तो बहुत रिलेटेड कैटेगरी है, इतनी सारे कार ओनर्स का डेटा है मेरे पास, आई कैन राइड ओवर इट। मैं तो उसी बिल्कुल उस जोन में आया था, पर बिजनेस माइंडसेट समझ में नहीं आया मेरे को यहाँ पर बिल्कुल भी कहीं पर। और अगर मैं आऊंगा तो मैं बोलूंगा यार मेरे को फिर कंपनी खुद ही चलानी पड़ेगी, फिर अगर खुद ही चलानी पड़ेगी तो मैं मेजोरिटी लेने की कोशिश करूँगा। आज मैं बाहर होना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को ना डिस्ट्रीब्यूशन का माइंडसेट दिख रहा है कि इसके अंदर कैसे करना है, ना रिटेंशन का माइंडसेट दिख रहा है, जो कि थोड़ा टेक्नोलॉजी माइंडसेट है कि एक बंदे को ला के रोक के चार चीज़ें कैसे बेचनी। ये बिजनेस उसका है, कार वॉशिंग में 400 रुपये में घर जाके पैसा बनाना नामुमकिन। दैट्स माय फाइनल टिप। गुड लक गाइस, पिवट एंड रीफोकस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, गुड लक। थैंक यू, गुड लक।